भाई इव शर्मा तैरा होगा कंगू टीवी पर आओगा। वैसे शर्माना लड़कियों पे अच्छा लगता है, आप लड़की होके भी शर्मा रहे हो। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब कोई रिंग पहनाएगा या मैं पहनाऊं? रुक जा मेरी माँ, तेरा भी नंबर आओगा। हाँ जी, पर आओ। ये सगाई मुबारक हो भाई दोनों माने। प्रदीप जी, या खून पीती रहे मेरा, नुकरो ही न ले जाओ ना गिल्ले। अच्छा वो खाना भी तैयार है, आओ। चलो। पनीर बनवाया है आप खातर। अड़प बराबर में थे हलवाई। वैसे सिम्मी कह रही थी आपने छोले कुलचे भी पसंद है। आप हार गए। आप हार गए। आप हार गए। आप हार गए। एक और बार करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो मैडम जी, मैंने बेरा है आपने कदे कोई काम तो कराया नहीं होगा, आज आपको इसकी तय करना सिखाते हैं जी। इन दोनों कोणों को मिला लो। हाँ जी, अब नीचे से पकड़ो, अब सीधा कर दो। आओ सरपंच साहब, आओ। देखो खुद अपनी आंखें, देखो आंगन में गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। और अब धीरे 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 पास आ जाओ जी। क्या असर पड़ेगा गांव की भाण बेटिया पे इस चीज का? चल चल के बात कराएंगे। चलो राजवीर, सरपंच साहब। राम राम। राम राम। देख राजवीर, ब्याते पहले आपस में एक दूसरे के साथ रहना, सहरा में अच्छा लग गए, गामा में नहीं। अरे गामा में तो ब्याता पहला छोरा छोरे ने मिलन भी ना दे, और साथ रहने के तो दूर की बात है। राजवीर तू इसने बाहर काट है या इसका हाथ पकड़ के मैं इसने बाहर काटूं? तू हाथ तो लगा के देख, तेरे हाथ ने जड़ तपाड़ दूंगा। अरे बात में टाइम खराब मत करो, काटो इन्हें गांव से बाहर। तेरे पे अट्ठा अट्ठा ने दुगत चतू मारो इसको। दुगत लाइट आ जब भी बीच में है ना, तीर का तो सांस ले। जो चाल लगे नहीं गांव में। अरे चचा गांव से हम बरस के नाम आ बोलते हैं। गांव में तो ब्याह पहला छोरा छोरे तीर का तो सांस ले। तो दूर की बात है। पागल हो गए, शर्म नहीं आओ तुमने? एक गांव के होकर आपस में लड़न लाग रहे। देख भाई राजवीर, एक बात तो गुगन सही कह रहा है, इससे गांव की भाण बेटियां बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब तन्ने इस मैडम के साथ रहना ना, तो ब्याह कर ले, गांव का मुंह अपना बंद हो जाएगा। सरपंच साहब ये किसी बात करने लग रहे हो आप? आपने इतनी बड़ी बात सोच ली? यह शहर की अमीर घराने की मैडम है, ये कहां और मैं कहां? कुछ बदमाश इनकी जान के पीछे पड़े हैं, छोटी सी बच्ची है इनकी, और मैं इनकी मदद करने लग रहा हूँ। या परेशानी दूर होती ये चले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। गुगन ने तो बात का बतंगड़ बना दिया। कहानी तो बहुत अच्छी घड़ी है राजवीर, तुमने बहुत अच्छी कहानी घड़ी है। और खास बात तो यह है, इन सारा ने यकीन भी हो गया तेरे पे। परीप सच बात यो बता दे, इसने किस नाते तक अपने दौरे रख रहा है तू? किसी की मदद करने खातर अगर रिश्ता नाता जरूरी है ना, तो इंसानियत का नाता है। देख भी राजवीर, हम तेरी भावना अच्छी तरह से समझ गए, लेकिन देख कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे गांव का सर झुक जाए। सरपंच साहब, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस तक गांव का सर झुक जा, भरोसा रखो। ठीक है भाई, चलो भाई। Oh
मैडम जी आप रोते भी हो? आप तो रोते हुए भी अच्छे लगते हो जी। यही तो खास बात होती है जी अमीरों की, सब कुछ ही अच्छा लगता है जी। मैडम जी आप इन गांव वालों की बात का बुरा मत मानियो। और क्या क्या करोगे हमारे लिए? घर अपना गिरवी रख दिया, इन गांव वालों से दुश्मनी मोल ले ली, और कितने एहसान करोगे हम पर? मैडम जी आप तो सिर्फ गांव वालों की बात कर रहे हो जी, मैं तो आपके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले लूं जी। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है जी। फिगर फरारी तेरा नखरा कलास, एटीट्यूड छोरी कति जड़ तैनास। फिगर फरारी तेरा नखरा कलास, एटीट्यूड छोरी कति जड़ तैनास। बिघन करवा के मानेगी, पास गड़वा के मानेगी, देख लिए प्यार में पप्पू ना पास करवा के मानेगी, देख लिए प्यार में पप्पू ना पास करवा के मानेगी। इश्क मैदान में छोरा कबड्डी खेलने आया रे, उड़वा के मानेगी, तोते उड़वा के मानेगी, देख लिए प्यार में पप्पू ना पास करवा के मानेगी, देख लिए प्यार में पप्पू ना पास करवा के मानेगी। पढ़ाई इश्क की छोरी कदे मन ने पढ़ी को ना, पतंग मेरे प्यार की बुलबुल कदे अंबर चढ़ी को ना। इश्क की चक्की का आटा मिलकर तेरी खेल खाना से, भरी तूड़े की कठड़ी लेन मने तेरी खेल जाना से। रांड कटवा के मानेगी, ढोल बजवा के मानेगी, देख लिए प्यार में पप्पू ना पास करवा के मानेगी, देख लिए प्यार में पप्पू ना पास करवा के मानेगी। एक बंदे की दही मसाला मांग रहे थे, वो मसाला दिया। मेरे काम का क्या हुआ? कर तो पाओगे ना तुम, या फिर तुम भी सिर्फ कहानियों के शेर हो? साहब आप कति चिंता मत करो, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। आप नौ हाथ की सोट ताण के सो जाओ बस। ओके आई एम वेटिंग। राज गुगन मामला की है कि मैं मन्ना भी बताओगा ना? अरे चाचा मामला सुनने के बाद तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी के मतलब? एक कहावत सुनी है चाचा, 100 दिन चोर के और 1 दिन शाह का। राजवीर ने हाथ तो मोटा मारा था पर उसकी जान अटक गई। भाई साहब मेरा तो किमी समझ में आ नहीं रहा, किमी साफ साफ समझावेगा तो समझ में आ जाएगी। दिमाग पे इतना जोर मत दे चाचा, राजवीर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, और वो भी उस लुगाई खातर। एक एक दर्द का हिसाब होगा, और वो भी तोल तोल के। पर क्यों कर? वो सब मेरे पे छोड़ दे चाचा, गुगन हाथ लग गया मौका कदे छोड़ा नहीं करता, और यो मौका तो फिर खुद चल के गुगन के धोरे आया है। मेरा ना किसा दिल है मेरा, सुसरा कोई भत्ता है तो नहीं? मारो इसके, मारो साले के।
माफ कर दे। ए आराम ते सारे बाल झाड़ दिए मेरे। के है एक तो मालिश करने लग रही हूँ, ऊपर तो नखरे करा है। ये तो इस तरह बोल रहा है जना कोई दुश्मन बोलता हो, आराम ते कर लेने। दुश्मन ते याद आया, तन्ने उस मैडम खातर सारे गांव तो दुश्मनी मोल ले ली है। जो भी करे सोच समझ के करिए। ये तू मेरी चिंता ना करे, मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सकता। राजवीर मम्मी कहाँ है? मम्मी हम लोग घर से भागे हुए हैं, बदमाश हमारे पीछे पड़े हैं। ओह शिट। अरे सुन तो एक ए तू गुन्नो का ध्यान रखी बस। आजा बेटा आजा। मम्मी कब आएगी? गए ना राजवीर लेने, अभी आ जाएगी। ठीक है मैडम जी, मैडम जी। राजवीर मेरे पास टाइम कम है। नहीं मैडम जी ऐसे मत कहो। मैडम जी, मैडम जी ये लोग कौन थे और आपने क्यों मारना चाहो? मैडम जी ये लोग मुझे नहीं गुन्नू को मारने आए थे। गुन्नू को? लेकिन गुन्नू की किसी से क्या दुश्मनी उसका? मैडम जी कौन मारना चाहो गुन्नू को? उसके पापा। मैडम जी मेरी बात ध्यान से सुनो राजवीर, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। गुन्नू की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के जा रही हूँ, उसके पापा से तुम मुझे बचाओगे। वादा करो गुन्नू को कुछ नहीं होने दोगे, उसका बाप बन उसे पालोगे। मैं वादा करता हूँ मैडम जी। मैडम जी, मैडम जी कोई है? मैडम जी। गुन्नू यहाँ क्यों खड़ी है बेटा? पानी पी ले। क्या हुआ? मम्मी मम्मी भी आ जाएगी बेटा अभी। राजवीर तुम अकेले क्यों आए हो?
मम्मी को साथ क्यों नहीं लाए? गुन्नू, मम्मी शहर गई है, तेरे लिए नए कपड़े और खिलौने लेने। पता है जाते टाइम क्या कह के गई है? क्या? कि राजवीर, गुन्नू का ख्याल रखना और पूरी तरह देखभाल करना और गुन्नू की हर बात मानना। अगर गुन्नू की बात नहीं मानी तो मैं और गुन्नू दोनों मिलकर पिटाई करेंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा मम्मी ने, पिटाई तो करेंगे। गुन्नू की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के जा रही हो, उसके पापा से तुम उसे बचाओगी। वादा करो गुन्नू को कुछ नहीं होने दोगे, उसका बाप बन कर उसे पालोगे। वादा करो। मैं वादा करता हूँ मैडम जी। आँखों के आंसू सारे सुख नहीं पाए, जज्बात दिल के सारे भूल नहीं पाए। रात भी सगम की काली, सपने भी काले सारे। रात भी सगम की काली, सपने भी काले सारे। बरस बरस जावे नैना, मौत भी ना आए। अंबर के तारे सारे टूट टूट जाए, हाथों ते हाथ मिलके छूट छूट जाए। बेबस हालात मेरे कोई ना साथ मेरे, बेबस हालात मेरे कोई ना साथ मेरे। किस्मत भी आज मेरी रूठ रूठ जाए। बरस बरस जावे कोई ना अपना मेरा धीर जो बंधावे। सपने भी राख मेरे धुए में खाख मेरे, सपने भी राख मेरे धुए में खाख मेरे। हौसले भी मर जाने जो टूट टूट जाए। तेरा बस रोए चाचा, हम तो जिंदगी भर दूसरों पर छुरियां चलाते आए, यहां तो साले अपने ही अपनों के दुश्मन लिकड़े। अरे गुगन, तेरी बात मेरी तो समझ में आती ना, तेरी बात तू ही जाने। अरे चाचा, मेरी बात कदे तेरे समझ में आई है जो ही बावेगी? एक बात बेरा है, सारा ने मारन आला कोई और नहीं, उसका हस्बैंड है। के कही? उसका हस्बैंड है? मने बेरा था चाचा, तेरी शक करन की आदत कदे जावेगी नहीं, आज तने मिलवाए देते हैं।
मेरे काम का क्या हुआ? कर तो पाओगे ना तुम? उसे मरना होगा। मैं हाथ बराबरी वालों के साथ मिलाता हूं, और जो काम तुम कर रहे हो उसके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। पैसों के अलावा भी कुछ सोच लिया करो सर जी। पैसा इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। कदे कदे पैसे ते ज्यादा बंदे काम आ जाया करें। मेरे उसूल है कुछ, मैं काम देख कर हाथ मिलाता हूं। उसूल तो अपने भी है साहब जी, मैं हाथ मिला के काम कराया करूं। इब या तो हाथ मिला लो और या थारी और मारी जयराम जी की। क्यों चाचा? बिल्कुल, तो बंदा कुछ मेरे टाइप का है। एक बात बताऊं सर जी, आज गुगन ने पहली बार कोई बंदा दिल ता अच्छा लग गया है। राजवीर, मुझे स्कूल में बहुत गर्मी लगती है। मैंने एसी लगवाने के लिए बोला तो मास्टर जी ने कहा राजवीर को बोलो एसी के पैसे दे दे। राजवीर, कितने दूर और भागना पड़ेगा? मैडम जी, 100-200 मीटर पर स्टार्ट हो जाए है। रेडी हो जी? हाँ जी। आओ फिर भागो। मेरा पता इस गुन्नू की हालत देखी नहीं जाती। इतने छोटे बालक ने छोड़ के इसकी माँ क्यों कर जा सकस? अरे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, और वह सिमी बताओ तो थी शहर गई से अपने लत्ते कपड़े लेन गई से या बुनवान गई से? इतने दिन लग गया कर सके? सही बताऊं, कोई ना कोई बात जरूर है। अरे बात गुन्नू की, राजवीर ना अपना सब गम छोड़ रखा है गुन्नू खातिर। मेरा समझ में ना आती है राजवीर सही करे से या गलत। बावली से के तू, राजवीर कदे गलत करे नहीं सकता, इतना तो भरोसा से मन उसके ऊपर है। अच्छा ठीक से। गुन्नू चले घर? नहीं, मैं हमेशा गाड़ी से स्कूल जाती थी। तुम्हारे कहने पर मैंने बाइक पर भी एडजस्ट किया। इसमें मैं नहीं जाऊंगी। ए मेरी माँ, बैठ ले, यो है बच रहा। गुन्नू, अब तो तुझे स्कूल में गर्मी नहीं लगती ना? नहीं, अब तो स्कूल में ऐसी लग गया। हमारी गुन्नू को गर्मी ना लगे इसीलिए तो राजवीर ने एसी लगवाने के लिए बाइक भेज दी। घर और घोड़ में फर्क होता है राजवीर। गुन्नू, ऐसे बात करते हैं? राजवीर सर ऐसे ही बात करते हैं। मेरे
मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो। अरे राजवीर। हाँ चाचा। हाँ चाचा। अरे बेटे बहुत बिजी रहने लग गया आजकल, तेरे दूर टाइम में कौन है? यो बिजली का बिल कई दिन का आया पड़िया है, इन्हें भरया जाके ना तो बिजली वाले कनेक्शन ने काट जाएंगे। चाचा बिजली का बिल कल भरूंगा, अब तो स्कूल की छुट्टी होगी, गुन्नू बाट देख रही होगी। अरे राजवीर गुन्नू के अलावा भी दुनिया से, बेटे कुछ अपने बारे में भी सोच ले। चाचा गुन्नू के अलावा दुनिया नहीं, ये तो गुन्नू है मेरी दुनिया है। गुन्नू। पापा। पापा आप कहाँ थे इतने दिन, मुझे लेने क्यों नहीं आए? कम आज तो लेट हो गया भाई, कोई सात दिन भी ना मिले। वादा करो गुन्नू को कुछ नहीं होने दोगे, उसके पापा से तुम मुझे बचाओगे। मुझे पता था तू आएगा, लेकिन जाएगा नहीं। गुन्नू कित है भाई, बड़ी फिकर हो रही है। चल आ, आ। चल राजवीर। गुन्नू रह गुगन, तू तू इतना भी गिर सका है? यो गुगन है गुगन, यो कितना भी गिर सके। एक बात समझ में नहीं आई, छोरी इसकी हर फिकर तन्ने हो रही है, तू लागे के है इसका बाप। तू बाप है तो मैं कौन हूं? अरे तू किसा बाप है जो अपनी ये औलाद ना मारना चाहे है?
औलाद तो मरेगी बाद में, पहला मरेगा तू। मर रे। आजा आजा आजा। चाचा, हाँ? तेरी उम्र का लिहाज करूंगा। हाँ? क्योंकि अगर मैं मारूंगा ना, अच्छा? तो तू निपट लेगा। हाँ? तू नू कर, तू खुद का दो थप्पड़ मार ले। ये ले बेटा, ये ले ना। चुपचाप जाके बैठ जा, जा। ठीक है, बच गया। हाँ, आ रहे, छोटी बच्ची है यार, के बिगाड़ा है इसने तेरा, क्यों मारना चाहा है? मुझे हमेशा से ही लड़का चाहिए था। कितनी बार बोला है टाई बांधनी नहीं आती, तो मत बांधा करो। मुझे लेट हो रहा है, ये रखो अपनी टाई और आराम से बैठकर बांधते रहना। समीर, गुड न्यूज है, तुम पापा बनने वाले हो। सच? लड़का ही होगा ना? मुझे क्या पता। मुझे क्या पता, मुझे लड़का ही चाहिए। पर सारा ने मुझे धोखे में रखा, लड़का बताती रही और हुई लड़की। मैंने अपनी मेहनत से जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद ये सब इकट्ठी की। लड़की क्या होती है, पराया धन, सब ले जाएगी अपने साथ, फिर मेरा वारिस। अरे किस जमाने में जी रहा है तू, हैं? आज के टाइम छोर या छोरिया था कम कोने। अर जय हर बाप, तेरी की त्रिया सोचे ना, तो आज छोरिया मेडल ना लेती। एक बात बता तू, मैडम जी ने क्या बिगाड़ रखा था, मैडम जी ने क्यों मारना चाहो थे? मैं तो गुन्नू को ही मारना चाहता था। सारा ने टांग अड़ाई, मारी गई। मारी नहीं गई, जिंदा है। मैडम जी, आपका कुछ नहीं हो दूंगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, डोंट वरी राजवीर, मैं हूं ना। प्रदीप जी, मैडम जी ने बचा लो, छोटी सी बच्ची है, रो रो का बुरा हाल कर देगी, क्या जवाब दूंगा? चिंता मत कर राजवीर, सब अच्छा होगा। प्रदीप जी, कुछ बदमाश इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, कदे हॉस्पिटल में ना आ जा। इतना क्यों घबरा रहे हो आप, यहाँ पूरी सिक्योरिटी है, आप जाके गुन्नू ने संभालो। प्रदीप जी, एक बात और, मैडम जी हॉस्पिटल में इस बात का किसी को पता ना चले, यहाँ तक किसी को भी नहीं। भरोसा रखो मेरे। राजवीर,
मेरा मारे और बचा तो ना करे, फिर वाह क्यों कर बचगी के गोली तन्ने चलाई थी। पुलिस ने भी लेकर आया है। हाँ थारी खातरदारी करने खातर। खातरदारी तो थारी ऐसी ऐसी जगह करूंगा, ना ठीक तक बैठन लायक रहोगे ना ठीक तक खड़े होने लायक। मर गए। अरे चाचा मेरा तो किसी किस्मत है, मेरी फंसा दिया ना। किस्मत मेरे पर भी काम करगी, मैं भी फंसवा दिया। चालिब बहुत कर ली बातचीत, बाकी बातचीत जेल में बैठ के करियो, कंबल बिछा के। चल रे चल चलो चल 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 चलो बोले चलो। राजवीर बोली बेटा। राजवीर बोली बेटा। राजवीर बोली बेटा। इस वक्त हम मौजूद है राजवीर के गांव में, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ गांव के सरपंच मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं उनसे, क्या कहना है उनका राजवीर के बारे में। आपके गांव में खेल कूद कर बड़ा हुआ राजवीर इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, आपका क्या कहना है उसके बारे में? ये क्या बताऊं राजवीर के बारे में, दूसरों की मदद करने का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था उसके अंदर। हमारे गाँव की शान है राजवीर, अब तो भगवान से ये प्रार्थना है कि वो बच जाए। आपके गाँव के राजवीर ने मिसाल कायम की है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? राजवीर हमारे गांव में सबसे अच्छा लड़का था, हर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। पूरे गांव में राजवीर की चर्चा चल रही है, राजवीर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राजवीर जैसा पूरे गांव में एक भी बंदा नहीं है, भगवान उसको सही सलामत रखे। आखिर राजवीर से हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, वो ठीक ठाक तो है? देखिए शांति बनाए रखिए, राजवीर बिल्कुल ठीक ठाक है। वो आ गया राजवीर भी। राजवीर आपने अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा कारनामा कर दिया, कैसे? जी मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ। आपको पता है इस मामूली से बंदे ने कितनी बड़ी मिसाल कायम की है, एक बेटी को बचाया भी और पढ़ाया भी। सच में राजवीर आज आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को सिद्ध कर दिया है। हम बेटियों को बेटों से हमेशा कम समझते हैं और ये समझकर उनको आगे नहीं बढ़ाते कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। लेकिन हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें जन्म देने वाली माँ भी तो किसी की बेटी है। आप जानते हैं ना, आज बेटियां खेल कूद पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में लड़कों से आगे है। आपने सही कहा राजवीर, आप अपनी जान पर खेल गए, आपको जरा सा भी डर नहीं लगा? मेरे बाबूजी कहते थे जो काम दिल को अच्छा लगे वो कर देना चाहिए, और ये काम मेरे दिल को अच्छा लगा। आज पूरा देश आपको दिल से सैल्यूट करता है राजवीर। राजवीर नहीं श्रीमान राजवीर कहो। श्रीमान राजवीर। श्रीमान राजवीर।